नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा के रेवाड़ी में खोफनाक मंजर, ऐसा मंजर तालिबान में भी नहीं देखा होगा। दो गुटों की लड़ाई में एक कार ने दो युवकों बेरहमी से रौंदा। तस्वीर ऐसी कि दिखाना भी मुश्किल। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। गाड़ी आती है, दोनों को कुचलती हुई हो जाती है फरार। मनेठी निवासी वेदपाल नाम के युवक को 50 मीटर तक घसीटती ले गई कार। पाडला निवासी बताए जा रहे हैं हमलावर कार में सवार होकर सर्विस स्टेशन चलाने वाले वेदपाल पर आए थे हमला करने। युवक को हाथों में लाठी डंडे लिए देखा जा सकता है। बेहद भयंकर व डरावनी तस्वीर आ रही है सामने। रेवाड़ी बीकानेर नेशनल हाईवे स्थित कुंड बैरियर पर हुई वारदात। दोनों गुटों में से एक एक युवक गंभीर रूप से घायल। रेवाड़ी के अस्पतालों में चल रहा है उपचार। वारदात को देखकर लग रहा है पुलिस का नहीं है कोई खौफ। खोल थाना क्षेत्र पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं सवाल। वारदात के पीछे बताई जा रही है कोई पुरानी रंजिश। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मारपीट हो रही है और उसके बाद एक कार दो युवकों को रौंदती हुई फरार हो जाती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से बेखौफ बदमाश वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर पुलिस का खौफ क्यों नहीं, ये भी बड़ा सवाल है।